हेलो स्टूडेंट अलग दिस इज लाइबा तारिकलॉजी दैप्टर ऑफ युकमेंट जब हम को देखते हैं तो ह्यूमन दस हज़ार साल से दुनिया में रह रहे हैं तो जब सबसे पहले जो ह्यूमन् दुनिया में आए थे वो बेसिकली हंटर्स थे यानी वो अपने केवस में रहते थे एनिमल्स को हंट करते थे और एक सादा जिंदगी गुजारे थे एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ह्यूमस ने इवॉल्व किया उन्होंने अपने आस चीज़ों को लर्न किया सीखा और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि उन्हें क्रॉप्स को ग्रो करने और अपने लाइफ को बेटर करने में हेल्प करें सो दैट्स वाई ह्यूमन जो थे वो हंटर से इवॉल्व हुए इन टू एग्रीकल्चर्स एरा में जिसके अंदर ह्यूम ने जो था वो तरीके सीखे कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है और अपने लिए एक सस्टेनेबल फूड कैसे प्रोड्यूस करनी है फिर उसी एग्रीकल्चर ने ह्यूमन्स को इन्फ्लुएंस किया और ह्यूमन्स जो थे वो मूव किए टूवर्ड द रेवोल्यूशन और उस रेवोल्यूशन ने दुनिया के अंदर जो था वो एक नए एरा का स्टार्ट किया क्योंकि जैसे इंडस्ट्रीज दुनिया में इस्टेबलिश हुई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का मतलब ये था कि अब ह्यूमंस को रॉ मटेरियल और रिसोर्स चाहिए थे टू रन दैट इंडस्ट्रीज और उन्हीं रिसोर्स के लिए उसने अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करता है और उसके इन्वायरमेंट पर कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की अगर हम दुनिया को देखो तो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ह्यूम्स के साथ साथ लिविंग थिंग्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रह रहे हैं अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका भी उस अनवायरमेंट पे इतना ही हक है जितना कि ह्यूमंस का है लेकिन हमारे जो होते हैं वो जितने भी इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एनिमल्स हैं उन सब को एक्सप्लॉयट करते हैं और उस वजह से जो दूसरे जानदार हैं उनके लिए एनवायरमेंट में सर्वाइव करने का जो लिमिट या उनका जो हक होता है इन्वायरमेंट पे वो आता आहस्ता खत्म होता जा रहा है अब हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो दो तरीकों के एक है रीन्यूबल रिसोर्स री यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कि दुनिया में बार बार से क्रिएट हो सके और वो हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट में हो एंड देन हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास फाइनाइट सोर्स होता है यानी एक टाइम के बाद उन सोर्सेज को खत्म होना होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज द नेम शो कि ये वो होते हैं जो कि अपने आप को क्विकली रिप्लेस कर लेते हैं इनका इनफाइनाइट सोर्स होता है कैसे ये रिप्लेस करते हैं इनके एक कॉन्टिन्यूस साइकल्स होते हैं जैसे वाटर साइकिल हो गया नाइट्रोजन साइकिल हो गया और इनके अंदर जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास वाटर है एयर है लैंड है एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो दुनिया में दोबारा से क्रिएट नहीं होंगे इनमें हमारे पास कॉमनली जो होता है जितने भी अर्थ के मिनरल्स हैं मेटल है फॉसल फ्यूल्स हैं जिनमें कोल कोल ऑयल गैस वगैरह शामिल है ये तमाम जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं नेचर के अंदर अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर के अंदर वेस्ट जैसी चीज़ का वर्ड नहीं है वी ऑल नो कि नेचर जो है वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करते हैं और अपने आप को क्लीन करने का या अपनी चीज़ों को रिसाइकल करने का प्रोसेस नेचर को बहुत अच्छे से आता है तो जो चीज़ें भी नेचर में क्रिएट होती हैं वो उनके मरने के बाद जो था तो वो लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद वो डिके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद एक वो प्रॉपर सर्कल से अर्थ के अंदर जो है वो दोबारा से वापस आ जाती हैं। सो so, नेचर के अंदर हर चीज़ जो है वो उस एक कंप्लीट साइकिल के तहत मूव कर रही है और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है और हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं उनकी कमी क्यों नहीं होती क्योंकि नेचर उन रिसोर्सिस को दोबारा से रिक्रिएट करना जानती है लेकिन हमारे इस साइकिल के अंदर प्रॉब्लम उस टाइम आती है जबकि पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि जब पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगा तो उसको खाने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे और जब खाने वाले ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो फूड है वो इनफ नहीं होगी या अगर फूड प्रोड्यूस हो भी रही है तो वो लिमिट से ज्यादा कंज्यूम हो रही है और लिमिट से ज्यादा कंज्यूम होने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास या कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चाहे वो एनिमल्स हो तो उनके पास फूड जो होगी वो नहीं होगी फिर उसके बाद जब ये लिविंग थिंग्स की जब डेथ होती है तो वो जो डिकेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर से रिसाइकलिंग नहीं होती और वो अर्थ के अंदर वापस होकर वापिस नहीं होते तो हैं है। अब जो ये तमाम रिसोर्सिस हम लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं ये हमारे नेचुरल साइकिल का ही पार्ट है और इन तमाम रिसोर्सिस को जो सन है वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है सन कैसे ड्राइविंग फोर्स है अगर आप एयर को देखें तो एयर जब मूव करती है तो वो विंड बनती है और एयर की मूवमेंट जो है वो सन करवा रही है इसी तरह अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस को देखें जिनमें प्लांट्स होते हैं प्लांट्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं ज़ाहरी बात है प्लांट्स सन से क्रिएट होंगे फिर प्लांट्स को कौन ईट करता है वो एनिमल्स ईट करते हैं तो सो दैट्स वाई अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स क्रिएट नहीं होंगे अगर प्लांट्स क्रिएट नहीं होंगे तो एनिमल्स क्रिएट नहीं होंगे जो कि प्लांट्स पे फीड कर सके इसी तरह हमारे जितने भी वो एवेपोरेशन का साइकिल है वाटर साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल है तो इन तमाम साइकिल्स के पीछे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सन की एनर्जी इन्वॉल्व होती है सो so, इस तरह से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो अपने रिसोर्स को बाय सर्टन न्यूट्रन साइकिल रिप्लेस करती है लेकिन ये रिसोर्स उस टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे या ये साइकिल उन टाइम पे डिस्टर्ब हो जाएंगे जब ह्यूमंस जो हैं वो उसके साइकल्स को प्रॉपरली क्रिएट या उन साइकल्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे